12 তারিখের দলীয় জমায়েতকে সফল করার প্রস্তুতি হিসেবে বৃহস্পতিবার রাতে বিবেকানন্দ ময়দানে যান ত্রিপুরা মতদলের চেয়ারম্যান প্রদোত কিশোর দেববর্মন। তার সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। শান্তিপূর্ণভাবে 12 তারিখ এই মাঠে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন প্রদোত কিশোর দেববর্মন। কোন সম্প্রদায় অথবা কোন ধর্মের বিরুদ্ধে না গিয়ে এই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে পালন করার জন্য আন্তরিক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মতদলের চেয়ারম্যান। लेकिन अगेन चैलेंजेस हैं। मैंने सुना है कि सिंडिकेट हर जगह में गाड़ी नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए सबको अनुरोध करता हूं, जिसको आना है दूर से एक रात पहले आ जाए, और जिसको आना है और हमारा बात सुनना है, हमारे मूवमेंट में एक होना है, तो आप डरो मत। ये आपका टाइम है, सिर्फ 2 महीना बाकी है। आप आओ, शांति से आओ। अगरतला में कोई रैली नहीं होना चाहिए, यहां में गैदरिंग है। अगरतला में रैली, कोई स्लोगन नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। पिपरासा यहां में शांति से आएगा, शांति से अपना बात रखेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड रखेगा और शांति से वापस घर जाएगा। हम पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि बुकुंगबारा लोग सिविलाइज हैं और बिना बंदूक का भी हम अपना आवाज संवैधानिक शांति से संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें हमारा सम्मान है। हम त्रिपुरा में शांति चाहते हैं, हम त्रिपुरा में भाईचारा चाहते हैं और हम अपना अधिकार के लिए शांति से लेकिन जोर से विदाउट कॉम्प्रोमाइज अपना बात रखना चाहते हैं। तो ये मेरा मैसेज सबको है। 12 तारीख को प्रोग्राम है, जल्दी होगा, कोई रैली नहीं होगा, गैदरिंग होगा। यहां में कहीं में स्लोगन देने का दरकार नहीं है, किसी को प्रोवोक करने का दरकार नहीं है। हम अपना मैसेज दिल्ली को भेज रहे हैं। यहां के लोगों को डराने के लिए हमने कुछ नहीं किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम त्रिपुरा में शांति चाहते हैं। बाहर का आदमी क्यों? बाहर का आदमी को सुनना चाहिए, लोकल।